तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी में एक ऐप के अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं एक सेटिंग के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी की सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिजिटल वेलबीइंग करके। उसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट से क्या नया चेंजेस किया गया उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल वेलबीइंग के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना सबसे पहले अपने मोबाइल के, आपको जाना है अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने का जाना है आपको अपडेट्स वाले सेक्शन पे, एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा डिजिटल वेलबीइंग करके, आपको दिख रहा होगा ये नया अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे, इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया आप देखेंगे 20 अक्टूबर 2023 को रोल आउट किया गया है, जिसका वर्जन नंबर इज 5.00.18 एंड देन साइज इज 13.43 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नया चेंजेस किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे इनहांस लेआउट, जो लेआउट है उसको चेंज किया गया। जैसा कि पिछली बार भी बोला था, ऐसे ही कुछ नया चेंजेस किया गया लेआउट के अंदर, और मोर कंटेनिंग योर वीकली रिपोर्ट, जो भी इसके अंदर वीकली रिपोर्ट बनती है उसके अंदर और ज़्यादा कंटेंट आपको दे दिया गया है। जैसे कि यूजली आप कैसे अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, आपका पैटर्न, योर पीक यूज टाइम, आपने किस टाइम सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो, हाउ योर बैलेंस योर स्क्रीन टाइम, और कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपको मेंटेन करने का दिया है कि अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसको कम यूज़ करो, अगर आप इस टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब आपको एक ओवरऑल पूरी स्टडी बनाने का ये काम करता है। नीचे की तरफ आएंगे, आपको थोड़ा ऐसा दिख भी जाएगा कि इसका मेन काम क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपन इसका यूज़ करते हैं। हो गया अपडेट, अपडेट करने के चले जाना आपको यहाँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के नीचे की तरफ आएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वेलबींग करके एंड पेरेंट कंट्रोल, आपको उसमें चले जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका लेआउट पूरी तरह से पहले चेंज हो चुका है, पहले ऐसे लेआउट नहीं आता था, अब इसका लेआउट यहाँ पर नया चेंज दिया गया है। सबसे पहले आपको ऊपर लेआउट में दिख रहा है कि क्या आपने इसमें यूज़ करा है, जैसा कि दिखा रहा है कि आज का दिन एक घंटे 28 मिनट मैंने मोबाइल को यूज़ करा है, सोशल मीडिया पे 58 मिनट दिए हैं, प्रोडक्टिव एंड फाइनेंस में मैंने 18 मिनट दिए हैं, और अदर मैंने 6 मिनट दिए। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अदर में भी आपको बता देगा नोटिफिकेशन आपको किस किस टाइम पे आई, कितनी बार आपने अपने मोबाइल को अनलॉक किया और कितने मिनट आपने मोबाइल को यूज़ करा, एक एक चीज़ आपको ये यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ सोशल्स में देखेंगे तो क्या क्या आपने सोशल्स में किया, कितनी बार आपने सोशल के लिए अपने मोबाइल को अनलॉक किया, कितनी नोटिफिकेशन आई सोशल्स की, एंड 58 मिनट्स आपने यहाँ पर यूज़ करा। एक एक चीज़ मतलब आपको समराइज करके बताएगा। उसके बाद नीचे सबसे ज़्यादा कौन कौन सी ऐप आपने यूज़ करी है, जैसे कि ये बता रहा है 21 मिनट मैंने इंटरनेट बीटा यूज़ किया है, व्हाट्सअप किया, एंड देन कॉल डायलिंग किया। यहाँ पर आप गोल सेट कर सकते हैं, गोल मतलब कि आपको हिंट कर देगा, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर गोल लगाया स्क्रीन ऑन टाइम मेरा इतना होना चाहिए। अब जैसे ही ओवर हो जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, भैया आपका गोल पूरा हो चुका है तो आप मोबाइल को ऑफ कर दो, तो एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो ये गोल इस तरीके से काम करता है। ऐप टाइमर आप सेट कर सकते हैं कि कौन सी ऐप को आप कितना टाइम, जैसे कि मान लो मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ ना करूँ, ताकि मेरा जो फालतू बक्स बर्बाद होता है वो ना हो। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंस्टाग्राम का सिर्फ आधा घंटा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया 30 मिनट, मैं उससे ज़्यादा यूज़ ना करूँ तो उसके लिए भी वो हिम्मत आ जाएगा। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम को आज सिर्फ 1 मिनट यूज़ करा तो 29 मिनट लेफ्ट बता रहा है। नीचे ड्राइविंग मॉनिटर आप कितना ड्राइविंग करते हैं और कितना आप चलना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब बात करें मेन चीज़ की, इसका लेआउट चेंज करा है और इसके अंदर वीकली रिपोर्ट अच्छी से दी गई है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर आने के बाद ये पूरी डिटेल आ गई है आपको, 1 घंटा 28 मिनट मोबाइल यूज़ करा, 34 मेरे पास नोटिफिकेशंस आई हैं और 79 बार मैंने अनलॉक किया। अब मैं कर लेता हूँ इसको वीकली रिपोर्ट। रिपोर्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है इधर, और यहाँ पर आप देखेंगे वीकली रिपोर्ट के अंदर जो कि मेन चेंजेस किया गया है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वीकली आ रहा है, संडे को मैंने इतनी देर मोबाइल यूज़ करा, मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, फ्राइडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सब पूरा एक वीकली यहाँ पर बन के आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ओवरऑल कितने दिन वीक में कितने घंटे मोबाइल यूज़ करा, 20 घंटे 7 मिनट मैंने यहाँ पर यूज़ करा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ज़्यादा डार्क है मतलब उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करा, जहाँ लाइट है वहाँ पर मैंने कम यूज़ करा, और जहाँ पर बिल्कुल नहीं है वहाँ मैंने यूज़ नहीं करा उस टाइम मोबाइल को। यहाँ पर आप देखेंगे पीक टाइम मैंने यहाँ पर 11 घंटे मैंने मोबाइल को यूज़ करा, और मोस्टली यूज़ यहाँ पर सोशल दिख रहा है, आप देख सकते हैं मोस्टली यूज़ सोशल्स। और यहाँ पर आप देखेंगे पीक यूजेस टाइम,
तो यहाँ पर पीक यूजर्स टाइम मेरा वीडियो पे रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 घंटे 15 3 घंटे 25 मिनट यहाँ पर मैंने वीडियोस को टाइम दिया है। मोस्टली यूज्ड ऐप में क्या आया, इंस्टाग्राम मैंने वीक में 4 घंटे 57 इंस्टाग्राम पे दिए, काइन मास्टर पे 2 घंटे दिए, फ्लिपकार्ट पे भी 1 घंटा 30 मिनट दिया, और यहाँ पर मैंने स्क्रीन टाइम वाइल वॉकिंग 2 घंटे मैंने यहाँ पर मोबाइल को भी चलाया। तो ओवरऑल जो ये रिपोर्ट दी गई है ना, ये बहुत शानदार दी गई है। मतलब आप इस रिपोर्ट के थ्रू अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं कि मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करूँ। तो इस ऐप का जो मेन काम है ना, डिजिटल वेलबींग, ये डिजिटल से आप थोड़ा सा कम हो, आप ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान ना दें, तो इस ऐप का यही काम है और इस तरीके से ये ऐप काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।